रामदास अठावले जी आदरणीय कह रहे हैं तो माइक में मैं बात करूंगा, हालांकि आप मेरे पूरे मन की जो बात है, जो मेरे मन की पीड़ा व्यथा, जो आज समाज में सत्यता की राह में जो हजारों किस्म की रुकावटें हैं, वो सारा मैं अपनी बात कह चुका हूं। क्योंकि हमारे माननीय मंत्री साहब जिन्होंने शेर की तरह, लायंस की तरह जिस लड़ाई को लड़ा है, जो समाज के दबा कुचला वर्ग, जो हर तरह से महरूम जो एक वर्ग है, उसकी जो लड़ाई लड़ी है, हम उसी के हिस्सा है। जैसे इस बुक में भी आपने पीपीटी भी आपने देखी है, माननीय मंत्री साहब एसपी चौहान जो इस बुक का नायक है, ये नवचेतना मंच ने इस बुक को तैयार कराया है और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ ने इस जिंदगी को लिखा है। ये हम चर्चा तो कर चुके हैं क्योंकि आपकी नज़र में डालना चाहते हैं कि एक निकतू गांव जिला करनाल हरियाणा का एक ठाकुर का बेटा जो अति गरीब परिवार में पैदा हो के, और वो ठाकुरों का पूरा एरिया है, वहाँ जो कमजोर जातियां हैं, जो हरिजन बाल्मीक जो बैकवर्ड क्लास, उन पे जिस तरह का अन्याय था, कम मजदूरी का मिलना और किस तरह का बिना कसूर के जो सजा मिलती थी, और ठाकुर लोग कैसे उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे जहां मजदूर, हालांकि खेतों में काम मजदूर करते थे, कमा के मजदूर देते थे, पर उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे, छुआछात था। तो इस नायक ने, इस ठाकुर के बेटे ने 1978 से लेके और लंबे समय तक जातीय जो एक द्वेष था, घृणा थी, उसको तोड़ने के लिए हरिजन बाल्मीक बस्तियों में गए, उनके घर का खाया पिया, और ठाकुरों ने जबरदस्त बहिष्कार कर दिया, जाति से गिरा दिया, फिर भी ये नायक लड़ता रहा और एक दिन वो आया कि आज पूरे एरिया के लोग, जिला करनाल के लोग जाति बंधन से मुक्त होके एक जगह रहते हैं। पूरा जबरदस्त नशा था, कच्ची शराब थी, पक्की शराब थी, लोग नशे में धुत, आपस में लड़ते थे, कई तरह मर्डर, नायक के परिवार में बहुत मर्डर हुए। इस किताब के संघर्ष के सलाम के नायक ने घर से लड़ाई शुरू करके इतना संघर्ष किया ड्रग्स के नशे के खिलाफ, एक दिन वो पूरा एरिया ड्रग्स मुक्त, नशा मुक्त होके, कोई भी खरीदार बचा नहीं था, हजारों लोगों ने शराब की सख्त लेके छोड़ दिया और वो खुशहाल हो गई। नारी जाति को लेके इस नायक ने जबरदस्त काम किया, कोई उत्पीड़न नारियों का बर्दाश्त नहीं करते थे, ये एक बहुत डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना के नवचेतना मंच का गठन करके, जिसमें ये दुनिया का अकेला एग्जाम्पल है जिसमें 90 से ज़्यादा सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक एनजीओ मिलके महा ऑर्गेनाइजेशन नवचेतना मंच की का बैनर तैयार हुआ। ये इस तरह का संघर्ष है, तो मैं आपके नज़र में ये चार लाइनें डालना चाहता था। तो हमारे बहुत ही आदरणीय, माननीय और शेर के रूप में, लायंस ऑफ द पीपल के रूप में जाने जाते हैं, तो रामदास अठावले जी। उपस्थित सभी और पत्रकार मित्रों, मैं नहीं हूं किसी का भी गुलाम, मैं नहीं हूं किसी का भी गुलाम, इसलिए मैं करता हूं एसपी चौहान के संघर्ष को सलाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सर। मैं नहीं करूंगा मेरे बाबा साहब के विचारों को नीलाम, मैं नहीं करूंगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को नीलाम, इसलिए मैं करता हूं संदीप साहिल को सलाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आज यहां एक किताब का विमोचन हो रहा है और करनाल जो हरियाणा में करनाल जिला है, पानीपत के बाजू में, सोनीपत के बाजू में, कुरुक्षेत्र के बाजू में, वहां का ठाकुर समाज का लड़का जो एसपी चौहान के नाम से जाना जाता है,
और वो ठाकुर होने के बावजूद भी गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए वो संघर्ष करता है, अपने समाज को समझाने का काम करता है कि छुआछूत ये अच्छी बात नहीं है, छुआछूत को खत्म करना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर रहना चाहिए। इसके लिए दलितों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, दलित समाज के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले चौहान के जीवन पर आधारित हमारे संदीप साहिल जी है। नवचेतना मंच इन्होंने इस किताब के लिए बहुत ही कष्ट उठाया है और समाज की जो कमियां है उसको दूर करने की भावना समाज में पैदा करने के लिए जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है उसमें छुआछूत मत मानो इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। और आज छुआछूत तो कम हो गई है लेकिन जातिवाद कम नहीं हुआ है, जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। आज भी हरियाणा में गोहाना हो, मिर्चपुर हो, जज्जर हो, या मतलब ऐसे कई अत्याचार की घटनाएं चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, आज मैंने एट्रोसिटी एक्ट के बारे में अधिकारियों के तरफ से मैंने जायजा लिया तो हर साल में महाराष्ट्र में 2,000, 2,500, 3,000 केसेस रजिस्टर होती है दलितों पर अत्याचार की। तो ये समाज की जो कमियां है उसको दूर करने के लिए ये किताब का उपयोग बहुत अच्छा होगा। वो आज यहाँ सभी मेहमान भी इधर मौजूद है, पिक्चर बन चुकी है अभी, पिक्चर बन चुकी है संघर्ष को, ये एसपी चौहान स्ट्रगलिंग मैन पिक्चर तैयार हो चुकी है। अच्छा, और ये इस पर फिल्म भी बनी है, फिल्म रिलीज हुई है? नहीं, होनी है, बन चुकी है। इस पर फिल्म बन चुकी है और एक विषय, एक अच्छा विषय जो दलित समाज को न्याय देने का विषय, दलितों पर अन्याय नहीं होना चाहिए इसके लिए संघर्ष करने का विषय, गरीब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष करने की भूमिका, और अपने समाज ने बायकॉट डालने के बावजूद भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए हमेशा संघर्ष की भूमिका लेने वाले चौहान जी के जीवन पर आधारित ये किताब भी मतलब हमारे साहिल जी ने इसका बहुत बड़ा कष्ट करके किताब लिखी है, इस पर फिल्म भी बनी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ मेरी उपस्थिति में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी एनडीए में मेंबर है। अभी देखते हैं 2019 में क्या होता है, मतलब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं भी मंत्री बनूंगा। सबसे बड़ी बात, तो मैं मंत्री बनूंगा तो ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही मैं मंत्री बनूंगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफर और ये जो प्रिंट मीडिया वालों का अगर हमको सपोर्ट रहेगा तो जरूर 2019 की मैच हम जीतेंगे। जिस तरह मतलब लोगों को लग रहा है कि इंडिया दो बार मैच हारा इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन तीसरी मैच इंडिया ने जीत ली है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हरेगे सब अपोजिशन इकट्ठ आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले कितना भी इकट्ठ आए लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी डबल सेंचुरी मारने वाले कैप्टन हैं और मैं सेंचुरी मारने वाला मैं खिलाड़ी हूँ, और इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी 200 रन निकालेंगे मैं 100 रन निकालता हूँ, बस बाकी के रन कांग्रेस वाले तुम ले लो, तुम ले लो, लेकिन 300 रन हम बनाएंगे और हमारी सरकार जरूर आएगी। तो देखते हैं क्या होता है, अभी 8-9 महीना बाकी है और राहुल गांधी जी बहुत जर्मनी में जाकर, इंग्लैंड में जाकर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दो,
उनको मीडिया भी अच्छा पब्लिसिटी दे रहा है, दे दो, लेकिन 2019 में सत्ता हमें दे दो, और इसीलिए ठीक बात है। तो आज यहाँ मुझे बहुत बड़े हमारे बॉबी सिंह जी जो करनाल के कहाँ हैं, बॉबी इधर इधर सर इधर है आपके पास, हाँ बाबू सिंह ये डायरेक्टर भी है और बहुत सालों से 15-20 साल से मेरे संबंधी है करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, जींद में, रोहतक में, भिवानी में, जज्जर में और कई जिलों में, मतलब मेरी पार्टी का वर्ग भी वहाँ चलता है और मैं बहुत सारे जिलों में वहाँ जाकर आया हूँ। वहाँ मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री भी, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं। तो इसी तरह यहाँ हरियाणा में करनाल में जो सही स्टोरी है तो उस पर चौहान जी के जीवन पर आधारित ये, मतलब हमारे संदीप साहिल जी ने ये किताब लिखी है, तो मैं इसका विमोचन हो गया है और मैं भी इस प्रोग्राम में उपस्थित हूँ। तो फिर एक बार मैं चौहान जी को याद करता हूँ और संदीप साहिल जी को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे विषय पर आपने किताब लिखी है, समाज की जो कमियाँ हैं उसको दूर करने की भूमिका आपने यहाँ इसमें रखी है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारी तरफ से जो भी सहयोग आपको चाहिए वो सहयोग हम देने के लिए आपको तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अभी TV9 पर नहीं, TV9 पर जो हमला हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं और जो मीडिया होता है इस मीडिया को एक स्वतंत्र आज़ादी बाबा साहब के संविधान ने दी है, तो मीडिया वालों के लिए मतलब उनको संरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है और अगर पत्रकारों पर हमला होगा तो हमला करने वालों पर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार की कोशिश है। अगर ये TV9 पर जो हमला हुआ है ये अच्छी बात नहीं है, जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और TV9 को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा मैं सरकार की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू। केरला फ्लड में अभी तक कम से कम 471 लोगों की मौत हो गई है, कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ तक का नुकसान भी हो गया है। मैं अभी 2 दिन केरल में था, मैं वहाँ 23 और 24 तारीख को मैं केरल में था, वह मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है, कोची है और अरनाकुलम है, वहाँ जाकर मैंने पूरी मतलब वहाँ मैंने देखा है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और 1924 के बाद पहली बार इतनी बारिश मतलब वहाँ केरल में आ गई है। तो मुझे लगता है कि अभी तक भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए मतलब केरल के सरकार को दे दिए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी ने 20 करोड़ रुपए मतलब वहाँ पे भेज दिए हैं और मैंने मेरा जो MP लैड फंड होता है वो MP लैड फंड से मैंने 25 लाख रुपए मैं वहाँ दे रहा हूँ और मैंने मेरे 2 महीने का पेमेंट जो होता है, 1 महीने का 2 लाख मुझे पेमेंट है, तो मैंने मेरे 2 महीने का पेमेंट 4 लाख रुपए का चेक वहाँ जाकर मलप्पुरम के जो कलेक्टर है उनके हाथ में मैंने दे दिया है। तो केरल की स्थिति बहुत गंभीर है, मैं सभी मुंबई के सभी कॉरपोरेट जगत के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि केरल बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति में, संकट में है, ऐसे वक्त में मुंबई से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए और सभी, जिस तरह भूकंप हुआ था तब लातूर में, उस्मानाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ गांव मतलब दत्तक ले लिए थे, तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ के जो गांव पूरे बर्बाद हो गए हैं, पूरे मकान गिर गए हैं, पूरा पानी कितने दिनों तक मतलब वहाँ भरा है, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास के लिए उन्होंने ज़्यादा सहयोग देना चाहिए, इसी तरह की मैं सबको अपील करता हूँ। बोलो बोलो क्या क्या जी, बनाना काफी मुश्किल होता है भी डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, आप कई सारे NGO से भी एसोसिएटेड हैं, इस फिल्म के लिए किस तरह से फंड इकट्ठा होंगे और किस तरह से आप उसको सामने लेकर आने वाले हैं? मैं अपनी बात रख चुका हूँ कि सत्यता के मार्ग में जब आदमी बहुत सच्चे मन से, पवित्र मन से
किसी चीज को करना चाहे तो पूरा आलम, पूरी दुनिया की ताकत उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। कभी सच में चलने वाला आदमी नाकामयाब नहीं हुआ, ये इतिहास है। तो हमारे दोस्तों ने ये किताब, जब इसका हिंदी में विमोचन हुआ आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने और बहुत सारे मंत्रियों के बीच जब इसका विमोचन हुआ, तो वहीं पे फैसला हुआ कि इस पे पिक्चर बननी चाहिए। और हमारे नवचेतना मंच में, क्योंकि 90 एनजीओ हैं, उन्होंने सबने इसमें योगदान किया है और ये पिक्चर बन के तैयार हो गई। इसका बजट जो है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास का है। तो सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा जब राइट बंधुओं ने ये सपना देखा कि आसमान पे आदमी उड़ना चाहिए, तब ये भी नहीं पता था कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। आज उनके सपना, क्योंकि निस्वार्थ था, उनको अपने लिए कोई चाह नहीं थी, वो सत्यता के मार्ग पे चले। जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, वो चाहे वो एक्सरे का आविष्कार हो, चाहे अल्ट्रासाउंड का, चाहे फोन का, चाहे हवाई जहाज का, ये तमाम संत हुए हैं। इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, और जब चाहा तो प्रभु ने, दाता ने, खुदा ने उनको तमाम वो रॉ मटेरियल इसी धरती पे प्रोवाइड कराया है और सब चीजें बनके तैयार हुई। ये पिक्चर तो कोई खास बात नहीं है। तो नवचेतना मंच के मेम्बरान ने ये पैसा इकट्ठा किया। उनको ये था कि ये मजदूरों की हक की लड़ाई, ये दलितों की हक की लड़ाई, ये नशे के खिलाफ लड़ाई, ये जो कमजोरों पे अन्याय की लड़ाई, ये किताब कोई कोई पढ़ता है, 1% लोग भी किताब पढ़ के राजी नहीं है। आज हमारा यूथ, हमारा स्टूडेंट पर्दे पे ज्यादा ध्यान देता है, इंटरनेट पे ज्यादा ध्यान देता है, तो क्यों ना पिक्चर बनाई जाए। और उन्होंने निस्वार्थ, कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ये पिक्चर बनकर तैयार हो गई और नवंबर में शायद आपके बीच में होगी। तो ये पैसा सारा सामाजिक पैसा है। हार्डली वेलकम टू अठावले साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ही इज अमंग अस। थोड़ी देर हुई और उसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जो कोई बेवफा नहीं होता। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नवचेतना मंच एक करनाल नहीं, हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था है जिसने 90 संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर खड़ा किया है, और उन्हीं 90 संस्थाओं ने अपने आर्थिक सहयोग से ये बीड़ा उठाया कि इस बुक के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और वो फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द आपके सामने होगी। आपका मैं नवचेतना मंच हरियाणा की ओर से, करनाल की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।